आपने गुड नाइट में पॉलिश तो की होगी, मोल्डिंग की पॉलिश की होगी। देख सकते हैं मोल्डिंग में आप पॉलिश अच्छी तरह कर सकते हैं, पर लेकिन कभी आपने गलता की पॉलिश नहीं करी तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन आज इस गलता की पॉलिश करके दिखाने वाले हैं और इसमें आपको दो स्टेप बताऊंगा जिसमें दो तरीके से आप पॉलिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं ये गुड नाइट है और गुड नाइट के अंदर अपन ने गलता निकाली हुई है और ये काफी टाइट होता है, कड़क यानी कि बहुत हार्ड घिसने में होता है, तो इसकी पॉलिश करने में काफी दिक्कत होती है। तो सादा मार्बल की अपन गलता बनाकर उसकी पॉलिश तो कर सकते हैं, पर लेकिन ये गुड नाइट है और गुड नाइट में पॉलिश बहुत काफ़ी मगदमारी करनी पड़ती है, तब जाके इसकी काफ़ी मेहनत के अनुसार इसमें अपन पॉलिश कर सकते हैं। तो इसमें आप दो तरीके आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें आप पॉलिश करेंगे। तो फर्स्ट वाला तरीका है तो उसको जानेंगे पहले। तो सबसे पहले अगर आपके पास में इस तरह की भट्टी है, इसको सांड की भट्टी बोलते हैं, जहाँ धार लगती है सांड में, तो इस तरह की भट्टी है, उससे अपन इसकी कटाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें राउंड में अपन ने इसको मिलाया और इस तरह गोल इसको करने के बाद में अपन ये गलता है उसमें अपन इस तरह बिगड़ेंगे तो इसकी कटाई होगी और कटाई होके इसके जो हल्के हल्के दाने जो बन रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उसके बाद में जितने भी अपने रेगमाल हैं पॉलिश करने के, उनको यूज करके अपन इसमें पॉलिश करेंगे। कटाई करने के लिए अगर भट्टी भी नहीं है तुम्हारे पास तो आप ये 80 नंबर है, ये 80 नंबर रेगमाल है, इसको यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं तो ये भी एक कटाई करने के लिए यूज में हो सकता है। तो इस तरह से इसको रिगड़ कर, और जहाँ तक इसमें आप शुरू में कटाई करते हो तो इसमें पानी न लगाएं और सूखी किस्म की कटाई करेंगे। उसके बाद में अपने टोटल जैसे भी पॉलिश करने वाले रेगमाल हैं उनको यूज करके इसकी पॉलिश कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको एक और दिखाने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे मशीन के द्वारा अपन इसकी पॉलिश करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। अब दोस्तों बारी आती है इस तरह की मशीन है उससे पॉलिश करने का, तो इसमें आपको करना क्या है मैं आगे प्रोसेस में दिखाता हूं आपको। अगर इस तरह से मशीन से अगर पॉलिश करना चाहते हो तो जल्दी और फास्ट पॉलिश होगी, तो उसके लिए अपन को करना क्या है चलो देखते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में वीडियो के एंड होने पर मैं आपको एक इसको पॉलिश करने वाला जो पेड होता है उसको किस तरह काट कर इसकी गुलाई बनाई जाती है उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अरे गलता की करेगा ना, अरे इसी का तार करेंगे गलता की कर।
कपड़ा साथ ही देख रहे हैं अंधेला और साथ में ये देख रहे हैं दोस्तों, ये डायमंड पैड है, ये छोटी मशीन में लगती है। अब इसको गलता का निकालने के लिए अपन इसका फर्मा बनाएंगे, तो देखिए इस वीडियो में किस तरह इसको बनाएंगे। ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, इस तरह जैसे इसमें बताया है उसी तरह से करें। पत्ती से पत्ती तो देर नहीं ना। मीट पकड़ लेगा जो कर रहा है। अब इसमें अपन ने इसको काट कर हटा दिया है दो सूत करीब, और दो सूत हटाने के बाद में जो इसमें बीच में गद्दी होती है उसको रखना है, और नीचे जहाँ पर इसकी पेड़ चिपकती है उसको पूरा रखना है। और इस पर आप पेड़ चिपका के देखते हैं, इस तरह से इसको चिपका देंगे। अब गलता बनाने के लिए इसको राउंड की जरूरत होती है, तो जैसे अपन इसको मशीन में लगाकर इसमें गलता को घिसेंगे तो ये राउंड में उसकी कटाई करेगी। काफ़ी अच्छा जुगाड़ है ये पॉलिश करने का, इस तरह आप बना सकते हैं और पॉलिश कर सकते हैं। और इसकी पॉलिश बिल्कुल अच्छी आती है जिस तरह अभी देखने वाले हैं। अब ये जो तरीका बताया है इसमें, ये चलाने का गलत है, इस तरह से नहीं चलाएं। अभी जो चलाएंगे इस तरह से चलाना है इसको, थोड़ा मशीन को टेपर रखना है और इस पर हल्का दबाव रखना चाहिए ताकि अपन गलता की गुलाई है उसके हिसाब से इसकी बट्टी घूमे और इसकी कटाई करे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और इसको शेयर करना ना भूलें, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं किस तरह आपको कटाई करनी है, टोटल बट्टियों का यूज इसी तरह करना है, कटाई से मतलब जीरो नंबर से लेकर। और
3000 तक नंबर की बत्तियों को इसी पेड़ पर लगाकर और यूज करेंगे, और जिस तरह मैंने बताया उसी तरह इसको मशीन को गलता के ऊपर चलाना है ताकि अपनी गलता अच्छी तरह से प्रॉपर अच्छी पॉलिश के साथ में निकल के आए। और दोस्तों इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप गलता की पॉलिश कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है इसमें अपन को जो पेड है उसको गलता में किस तरह रखना है और इसको किस तरह पॉलिश करना है, जिस तरह वीडियो में बताया गया उसी तरह इसको यूज करना है। देख सकते हैं इसमें मैं आपको इसमें दबाकर बता रहा हूँ, इस तरह से राउंड हो जाएगी और इस तरह अपन इसको जब मशीन में लगा के घुमाएंगे तो इस तरह से ये गुलाई में काटती जाएगी और अपनी पॉलिश होती जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद जय भारत।